सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म रेड 16 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रेड में अजय देवगन के साथ इलियाना डिक्रूज और सौरभ शुक्ला विलन के रोल में हैं। आपको बता दें कि रेड फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म आज तक की सबसे लंबी इनकम टैक्स रेड पर बनाई गई है, जो कि 1980 में मारी गई थी। फिल्म रेड ने आते ही बॉलीवुड पर धमाका कर दिया। फिल्म रेड ने फ्राइडे को कमाए थे 10.4 करोड़ रुपए और सैटरडे को कमाए थे 13.86 करोड़ रुपए और संडे को उसकी कमाई थी 17.11 करोड़ रुपए और इसी बीच उसने पैडमैन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। अब आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म रेड को लगे हुए 8 दिन हो चुके हैं और आज 8वें दिन का इसका कलेक्शन रहा है 5.5 से 6.5 करोड़ के बीच में। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड इसने 108 करोड़ की कमाई कर ली है। इसकी ओवरसीज कमाई है 22 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आपको अजय देवगन की फिल्में कितनी अच्छी लगती है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को, क्योंकि यहीं मिलती है आपको बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।